35 वर्षीय तीन बच्चों की आदिवासी महिला ने जहर खाकर किया सुसाइड। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के अगर्रा गांव की रहने वाली एक 35 साल की महिला ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। महिला को गंभीर अवस्था में शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान आज सुबह महिला ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल चौकी पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। महिला के पति चिरौंजी आदिवासी ने बताया कि शुक्रवार को वह अपने ससुराल अपने धौरिया गांव के रहने वाले एक रिश्तेदार को दवा दिलाने के लिए गया हुआ था। इस दौरान उसकी पत्नी कमलेश आदिवासी उम्र 35 वर्षीय घर पर ही थी। शुक्रवार की शाम उसने घर में रखे कीड़े मारने की दवा को पी लिया था। सूचना के बाद कमलेश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुबह कमलेश में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। महिला के पति का कहना है कि उसका किसी भी प्रकार से कोई भी झगड़ा उसकी पत्नी के साथ नहीं हुआ था। महिला के तीन बच्चे भी हैं। अस्पताल चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? अगर्रा। जी कैसे जहर खा लिया? भूखा था साहब, मैं तो महंगा निवारी। तुम्हारी कौन है? घर भाई। कितनी उम्र होगी? उम्र कितनी होगी? उम्र 19 साल। कितने बच्चे हैं? तो जहर क्यों खा लिया? कोई लड़ाई झगड़ा? लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। अच्छा, तो क्यों जहर क्यों खाया, कारण तो बताओ। कारण मैं काम में तो गया हूं, तो बीमार हूं। अच्छा, इनके मायके में? हां, मायके में खाया जहर? नहीं भाई, मैं खा हुआ दूध बिना कहीं बताए क्यों भाई जो का इतनी। अच्छा, आप मायके गए थे उनके? भैंस मिल के आया हूं। कौन से मिल के आए? भैंस भाई जवान ने भाई रहते हैं। क्यों भैंस का घूमबे एक मोड़ा ले खा पर मैं खुद और गया हूं। बाकी कम दवाई नहीं, सिर्फ गोली दवाई लगा के चलाओ। और कोई लड़ाई झगड़ा? वैसे ही खा लिया। अरे उनने वैसे ही खा लिया। क्या नाम है उनका?